हाँ हल्के तो हो ही आपको जाओगे ना बोझ बेटा। नहीं हाँ पड़ता। बिल्कुल हल्के हो हाँ जाओगे। हाँ आप बोझ नहीं पड़ता फिर अगर आपको। आप अपनी प्रॉब्लम को परमात्मा पे डाल देते हो तो आप हल्का फील करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा ने आपकी सारी प्रॉब्लम ले लिया, ऐसा नहीं है। आपने किया है ये, आपने सोचा, आपकी अपनी सोच ही आपको हल्का कर देती है, हाँ यही है ना प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इससे क्या होता है, इससे एक बेनिफिट ये होता है गुरु जी, जब आप हल्के हो जाते हो ना अंदर से थोड़ा सा, तो ऐसा भी होता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है, क्योंकि जब आपने आप स्ट्रेस को हल्के लिया होते हो, जब आप शांत होते हो, तो शांत आपको होते हो। सल्यूशन मिलता है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि कुछ लोग हैं सल्यूशन नहीं ढूंढते, वो फिर हर एक चीज को उसी पे डाल देते हैं, हाँ वहां गलती हो जाती है। वहां गलती हो जाती है। और वो इजीएस्ट अप्रोच होता है कि भाई बैठे रहो और हर चीज डाल दो, जबकि वहां के गुरु लोग भी नहीं डालते। भक्ति वाले गुरु लोग भी बहुत कर्म करते हैं, बहुत कर्मठी होते हैं ना वो लोग बेटा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो चेले लोग हैं वो कर्मठता छोड़ करके और यही नौटंकी में आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है, बस और कुछ नहीं। और तो अपना भक्ति योग सामान्य लोगों के लिए सबसे अच्छा है। अभी कितनी देर तक करते हो? गुरु जी हो ही जाता है, करीबन 40 मिनट से लेके 1 घंटा हो ही जाता है, ठीक। आराम आराम से करता हूँ स्लो। आपकी वीडियो में हाँ मैंने देखा था, एक आपने कहा था कि एंजाइटी और डिप्रेशन वालों को स्लो करना बिल्कुल, चाहिए। आराम आराम से स्लो करो, बहुत ज्यादा जंग मत लड़ो, जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा। और बहुत जल्दी भाग करके कहीं पहुंच नहीं जाओगे, जो जल्दी भागने वाले हैं ना गुरु जी वो। पता नहीं, मैंने हमेशा एक बात देखी शायद, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहीं और ही रहता हूं, मैं अपने जैसे घर में भी हूं तो मैं कहीं फैंटेसी और लैंड, हूं, फैंटेसी फैंटेसी लैंड। में हूं हमेशा। इतने सालों से मैं अपने आप को सेटल ही नहीं कर हाँ पाया। अब आप सोचो ना बेटा, इतनी एज हो गई हमारी, हमारी लोगों की इतनी एज हो जाने के बावजूद भी हम फैंटेसी लैंड में घूमने के लिए बेकरार रहते हैं। हाँ तो समझ लो कि लाइफ कैसे चलेगी। पर एक और बात दूसरे एंगल से देखेंगे कि हमें दिन के टाइम में कभी कभी अपने को संतुष्ट करने के लिए फैंटेसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम जान रहे होते हैं कि ये हमारी सेल्फ मेड फैंटेसी है, इससे हम संतुष्ट हो जाएं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमें ज्ञान होता है। पर हम पता चला उसी फैंटेसी में एडिक्ट हो गए और प्रैक्टिकल अप्रोच छोड़ देते हैं, वो गड़बड़ है। थोड़ी बहुत फैंटेसी करके संतुष्ट हो लो, फिर कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। अब जैसे भगवान के बारे में सोचते हो, संतुष्ट हो के कॉन्सेंट्रेशन बन ही जाता है ना, बन जाता है, तो बनता है। आप ऐसे फैंटेसी कर लो और संतुष्ट हो के शांत हो जाओ, फिर अपनी कंसंट्रेशन और प्रैक्टिकल एक्टिविटी में लीन हो जाओ और बेटर करो। लेकिन बजाय कि उसके हम कुछ और करने लगते हैं, यहाँ मारे जाते हाँ हम उस टोटली उसमें चले जाते हैं, हैं। टोटली चले जाते हैं, यही गड़बड़ है ना। ये तो अगर आप भक्ति योगा वालों को देखो, तो भक्ति योगा के जितने भी फाउंडर हैं या मेन हैं, कुछ काम करते हैं, वो कभी फैंटेसी भले सिखाते हैं लेकिन वो खुद फैंटेसी में नहीं जाते, वो बहुत जबरदस्त कर्मठी होते हैं बेटा, इतना काम करते हैं वो, उनके शिष्य लोग सत्संग में फैंटेसी करते हैं, कहानियों में घूमते हैं, वो कहानियों में नहीं घूमते भाई। किसी भी बात व्यक्ति जो भी से है बिल्कुल डोनेशन लेने के लिए आपको उसके घर जाना पड़ेगा, उससे आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये धर्म बिल्कुल काम के लिए है, ये हमारे गुरु के लिए है, ये भगवान के काम के लिए है, ये निस्वार्थ काम के लिए है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सही बात है, बिल्कुल है ना। तो जीवन में बिल्कुल। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। हाँ फैंटेसी का थोड़ा बहुत रहता है, खुश हो लो, संतुष्ट हो लो। बहुत सारे लोग फैंटेसी में त्याग करते हैं, त्याग कर दिया, खुश हो गए, प्रैक्टिकल लाइफ में त्याग नहीं है लेकिन फैंटेसी में त्याग कर लेते हैं।
बहुत सारे लोग, जो मेरी स्टडी है जिसमें बहुत सारे लोग फैंटेसी में त्याग करते हैं, मैंने ये दे दिया, भगवान राम कितने त्यागी थे, राजपाट छोड़ दिया, भाइयों को दे दिया कि मैं नहीं लूंगा लाइफ में कुछ, इसी से खुश हो गए, है तो फैंटेसी नहीं, लेकिन अपने भाई को, अपने भाई की लैंड छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने भाई से लड़ाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच देखो जीरो है, लेकिन भगवान राम के बारे में त्याग, अपने से कनेक्ट करके उससे खुश हो ले रहे हैं, तो वो शॉर्ट टाइम की संतुष्टि ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो बेटा डालना ही पड़ेगा ना लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को कोई न कोई त्याग का अप्रोच तो डालना ही पड़ेगा, अगर नहीं डालते तो फैंटेसी से काम नहीं चलेगा। ठीक बात है, ठीक बात।